कोरोना वायरस से देश ही नहीं दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। अब ये एक महामारी का रूप ले चुका है। भारत में ये महामारी और न फैले इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च से पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया है। प्रधानमंत्री के इस फैसले के बाद पूरे देश में आम हो या खास सभी लोग परेशान हैं। लोगों की परेशानी को कम करने के लिए गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1,70,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग इस जंग को लड़ रहे हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें 50 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। इस बीमा का लाभ 20 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। इस राहत पैकेज का लाभ किन किन लोगों को मिलेगा आइए विस्तार से जानते हैं। राहत पैकेज की 10 बड़ी बातें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इस योजना का लाभ 80 करोड़ लोगों को मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि कोई गरीब भूखा न रहे इसके लिए सरकार ने इंतजाम किए हैं। गरीब लोगों को 5 किलो अतिरिक्त अनाज 3 महीने मुफ्त में मिलेगा, साथ ही 1 किलो दाल भी फ्री में मिलेगी। हेल्थ कर्मचारियों को 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस। सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने में योगदान देने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस देने का ऐलान किया है। इससे डॉक्टरों, पैरामेडिकल और स्वास्थ्य कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। 8,69,00,000 किसानों को मिलेंगे 2,000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में 2,000 रुपए की पहली किस्त डाल दी जाएगी। इसका लाभ देश के 8,70,00,000 किसानों को मिलेगा। मनरेगा मजदूरों की बड़ी दिहाड़ी। मनरेगा के मजदूरों की दिहाड़ी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दी गई है। 5 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों और विधवाओं को सहायता। गरीब बुजुर्ग, गरीब विधवा और गरीब दिव्यांगों को कोई परेशानी न हो इसके लिए उन्हें 1,000 रुपए अतिरिक्त 3 महीनों के लिए मिलेंगे। ये 2 किश्तों में DBT के जरिए उनके बैंक खातों में जाएगा। इसका फायदा 3 करोड़ लोगों को होगा। महिला जनधन खाता धारकों को 1,500 रुपए। महिला जनधन खाता धारकों को 3 महीने तक प्रति महीने 500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इसका लाभ 20 करोड़ महिलाओं को होगा। उज्ज्वला योजना के तहत 3 महीने तक फ्री सिलेंडर। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि उज्ज्वला योजना के तहत करीब 8,30,00,000 BPL परिवारों को 3 महीने तक फ्री LPG सिलेंडर दिए जाएंगे। सरकार भरेगी अगले 3 महीने तक EPF। सरकार अगले 3 महीने तक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों की ओर से EPF कंट्रीब्यूशन देगी, यानी दोनों की ओर से किए जाने वाला 12% का कंट्रीब्यूशन सरकार देगी। ये उन सभी संस्थानों के लिए है जिनके यहाँ 100 कर्मचारी तक हैं, और उन 100 कर्मचारी में से 90% कर्मचारी 15,000 रुपए से कम के मासिक सैलरी पाते हैं। इसका फायदा 80 लाख कर्मचारी और 4 लाख से ज्यादा संस्थानों को होगा। PF निकालने की शिकायतों में दी जाएगी ढील की। वित्त मंत्री ने PF रकम निकालने की शर्तों में ढील देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि कर्मचारी 3 महीने का वेतन या 75% रकम अपने PF खाते से निकाल सकेंगे। इससे 4.8 करोड़ लोगों को फायदा होगा। दीनदयाल योजना के तहत 20 लाख का मिलेगा लोन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत रजिस्टर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप को कोलेटरल फ्री लोन की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए दिया गया है। इससे 7 करोड़ परिवारों को फायदा होगा। पूरे देश में लॉकडाउन के बाद जिस तरह से लोग परेशान हैं, ऐसे में सरकार के इस फैसले से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।